Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about a dihybrid cross, which is also known as the law of independent assortment or second law of Mendel's. As in my previous video, I have discussed about the monohybrid cross or law of segregations. So in this video, I will focus on the dihybrid cross. So what is the meaning of a dihybrid cross? Why it is known as the law of independent assortment? And what is the difference between the dihybrid and monohybrid cross? So if you really want to know all these things about dihybrid cross and what is the basic concept and how it differ, so watch this video till the end. Okay, so without losing any time, start this video. What is the meaning of a dihybrid? So as the name suggests, di means two. So in genetics, whenever a cross or a hybridization is assigned having considering two contrasting character is known as the dihybrid cross. Means genetics में जब हम दो contrasting character को लेकर के कोई hybridization कराते हैं, कोई cross कराते हैं, तो ऐसे cross को basically हम क्या बोलते हैं, dihybrid cross. Independent assortment का मतलब क्या होता है, ये आपको example से better समझ में आएगा, but यहाँ पे थोड़ा explain कर देते हैं कि दो characters के लिए जो different genes और alleles हैं, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है या स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उस टाइम पे उस दोनों जीन्स के एलील्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मैनर में दूसरे के साथ में क्या करते हैं, री एसोसिएट होते हैं, और री एसोसिएट होकर के एक डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या करते हैं, एक्सप्रेस आउट करते हैं. दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मीन्स दोनों जीन्स के जो एलील्स होते हैं वो डिपेंड नहीं होते एक दूसरे के पास कि येलो वाला जहां जाएगा वहीं राउंड जाएगा और जहां पे ग्रीन जाएगा वहीं रिंकल्ड जाएगा. आप एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो यहां पे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से डाइहाइब्रिड जो क्रॉस होता है. तो डाइहाइब्रिड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या होगा, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे. तो टू कैरेक्टर जो है आपका क्या है, दैट इज पहला आपका है शेप है, पॉड का जो शेप है वो, और दूसरा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, दैट इज अ कलर है, राइट. सो कलर एंड शेप ये दो आपके कैरेक्टर होंगे, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड. कलर शेप में आपका क्या है, पहला शेप है आपका राउंड और दूसरा शेप है क्या है आपका रिंकल्ड. ओके, और कलर में क्या है आपका येलो और दूसरा क्या है आपका ग्रीन. ओके, तो एक चीज यहाँ पे आपको अच्छे से पहले समझना है कि चूंकि यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी हो रही है, दैट इज द शेप एंड कलर के बारे में, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस. और शेप कैसा है आपका, राउंड शेप है सीड का, मतलब पॉट का, मटर का, और दूसरा कैसा है, रिंकल झुर्रीदार है, राइट. एक एकदम साफ साफ सुधरा गोला गोला और एक कैसा है रिंकल टाइप में है. और कलर में कैसा, एक का येलो कलर है, जो फली है वो, मतलब जो उसका सीड है वो येलो कलर का है, दूसरा कैसा है ग्रीन कलर का है. राउंड कलर डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल के ऊपर, और येलो कलर डोमिनेंट है किसके, दैट इज द ग्रीन के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डाइहाइब्रिड का क्रॉस कराया जाता है और कैसे F1 और F2 जनरेशन में उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम एक्सप्रेस करते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वन बाई वन देखेंगे. ओके, तो राउंड के लिए बेसिकली क्या है, दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर. येलो के लिए क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. और ग्रीन के लिए क्या है, सॉरी, ग्रीन के लिए है, ग्रीन के लिए है, रिंकल के लिए है स्मॉलर और ग्रीन के लिए है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. ओके, तो यहां से बेसिकली हमारा क्या गैमेट क्या आएगा, दैट इज कैपिटल आर, और यहां से क्या आएगा कैपिटल वाई, और यहां से क्या आएगा स्मॉल आर, और क्या आएगा स्मॉल वाई. ओके, जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में जो आपके गैमेट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. चूंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है आर के, स्मॉल आर के ऊपर, तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, दैट इज द राउंड, क्या दिखेगा, राउंड. और कैपिटल वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर, तो कैसा दिखेगा, दैट इज द येलो. सो F1 जनरेशन में सभी के सभी जो पॉट के कलर थे वो कैसे दिखे आपको, येलो,
और उनका जो शेप दिखा वो कैसा दिखा, राउंड, मींस जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। सो ऑल द प्लांट ऑफ एफ1 जेनेसन शो राउंड एंड येलो कलर ऑफ द पॉट। ओके, अब इन फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स का जब सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में कैसे आप क्रॉस कराएंगे और कैसे उनका फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो हमारे पास गैमेट ये आ गए थे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्टिंग से। ओके, सो हमारे पास गैमेट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। इनका हमको क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस करा देना है। क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस कैसे हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस तो कैपिटल आर का क्रॉस कराएंगे इससे, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका कराएंगे इससे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इसका कराएंगे इससे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास चार क्या मिले, गैमेट्स मिले। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, मींस मेल और फीमेल्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली, तो एक में हमारा हो जाएगा क्या, दैट इज द कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरे में क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। एंड चौथे में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे इस साइड में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बाकी दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही है आपका इनका इनका चेकरबोर्ड, किस तरीके से आपका ये बनेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या आपको करना रहेगा। आपको करना सिर्फ बहुत सिंपल वे है, ये थोड़ा पेन सही से चल नहीं पा रहा। तो रूल क्या होता है क्रॉस कराने का, सबसे फर्स्ट एक जो ये गैमिट है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेल का गैमिट है, मेल का गैमिट है, और ये आपका क्या है, दैट इज द फीमेल का गैमिट है, राइट। तो इस पहले वाले का इन चारों से क्रॉस होगा, इससे 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 और इससे। तो एक हम करके दिखा देते हैं, जैसे सपोज अगर हम कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राइट। इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका कराएंगे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। तो ये आपके जीनोटाइप होंगे। अब आपको इसका कैरेक्टर कैसे निकालना है, आपको पता है कि जहां कहीं पे भी कैपिटल लेटर होगा वो उसी का कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर है तो ये होमोजाइगस हो जाएगा, तो ये येलो एंड राउंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो एंड राउंड, येलो राउंड के लिए मैं वाई आर लिख देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, नहीं कैपिटल आर है, तो यहाँ पे भी राउंड राउंड हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे एक कैपिटल वाई है, दैट इज वाई क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली एक कैपिटल आर है, दूसरा क्या है, स्मॉल आर है, तो इसलिए भी ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज राउंड एंड येलो हो जाएगा।
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक होमोजाइगस मतलब एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा येलो एंड राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सबका क्रॉस करा सकते हैं। इस वाले का फिर से इन चारों से होगा, मतलब इस वाले का इससे, फिर इस वाले का इससे, फिर इस वाले का इससे, फिर इस वाले का इससे, राइट। तो इस तरीके से आप सबका मल्टीप्लाई करके आप वहाँ पे जीनोटिपिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और कलर डिसाइड करने के लिए सिंपल तरीका यही है कि जहाँ पे कैपिटल वाई होगा वहाँ पे भी येलो होगा, जहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा वहाँ पे भी येलो होगा, और जहाँ पे स्मॉल वाई होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा, सॉरी वहाँ पे कैसा होगा, ग्रीन होगा, और ये दोनों कैसे होंगे, येलो होंगे। सिमिलरली राउंड के लिए भी वही है, कैपिटल आर होगा तो भी राउंड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी राउंड होगा, और स्मॉल आर है तो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना है, और इसी के बेसिस पे आप सबका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या करते हैं, एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। जो F2 जनरेशन में बेसिकली इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आता है वो क्या है, दैट इज द 9:3:1। मींस 9 प्लांट कैसे आए थे, बेसिकली उनका येलो एंड राउंड आया था, फिर इसके बाद कैसा आया, येलो एंड रिंकल्ड आया, फिर 3 प्लांट कैसा आया, ग्रीन एंड राउंड आया, फिर इसके बाद 1 प्लांट कैसा आया था, ग्रीन एंड रिंकल्ड आया था। तो इस तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम ये देखते हैं कि F2 जनरेशन में बेसिकली जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो 9:3:1 का रेशियो आता है, जिसमें से 9 जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, येलो एंड राउंड होंगे, 3 जो प्लांट होगा येलो एंड रिंकल्ड होगा, और 3 जो प्लांट होगा वो ग्रीन एंड राउंड होता है, और 1 जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ग्रीन एंड रिंकल्ड होता है, राइट। तो ये होपफुली कि आपको ये चेकरबोर्ड क्रॉस कराने बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, सेल्फ क्रॉस के लिए आपको यहाँ से एक एलिल्स कैरेक्टर का इन दोनों से कराना है, फिर इसका इन दोनों से कराना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो होगा ऐसे सेम इनका इन चारों से, फिर इसका इन चारों से, और कैसे आप कलर निकालेंगे ये मैंने कोटेशन आपको यहाँ पे बता दिया। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट। लिमिटेशंस ये है कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ ऐसे ही जीन्स पे फॉलो होता है या अप्लाई होता है जो जीन्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मींस जो कि प्रॉपर तरीके से पूरा क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस क्या करते हैं, शो करते हैं। ऐसे जीन्स जो कि सेम से, सपोज करो कि ये अगर आपका क्रोमोजोम हो जाए और इसी क्रोमोजोम्स पे ये दो आपके जो जीन्स हैं अगर ऐसे प्रेजेंट हैं, तो ये जो जीन्स होंगे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिंक्ड जीन कहलाते हैं, राइट। तो सिर्फ ऐसे जीन जिनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है या डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम से पाए जाते हैं, वो मेंडल की इस लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या उन पे अप्लाई होता है। वो सारे जीन्स जो कि सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जिसमें क्या होता है, लिंकेज होता है, वो इसके रूल के क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डाइहाइब्रिड जो क्रॉस होती है उसके लिमिटेशंस क्या है, एग्जाम्पल में आपको लिंकेज भी रहेगा। तो लिंकेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे क्रोमोजोम्स, एक ही क्रोमोजोम से पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, वो लिंक्ड फॉर्म में ही नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिंकेज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको भी पढ़ेंगे कि लिंकेज क्या है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, कि आपने देखा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जाती है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स आते हैं वो बेसिकली कैसे आएंगे, हेटरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाले। F2 जनरेशन में हमने देखा फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो 9:3:1 होता है, 9:3:1 क्या है आपको मैंने बता दिया। क्रॉस आप कैसे कराएंगे डाइहाइब्रिड के लिए ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसे कोशिश करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो लाइक दैट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।